भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज हो हमें है आवाज हो हमें है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं तो नहीं आ रहा हूँ। अरे भाई साहब छोड़ दो। नहीं नहीं मीडिया वाले और आ रहे हैं। चलो हो गया अपना तो हो गया। प्रजापति ऐसा है। एक मिनट जरा खामोश रहो। खामोश हो भाई। समाज सेवा मंच और डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मिल करके आज हम सब लोग ये सभी बच्चों का यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सबका स्वागत करते हैं। बच्चों हमारे देश में इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं चाहे वो CAB कानून को लेकर के हो या अन्य तमाम बातों को लेकर के हो, बहुत सारे बच्चों की बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अभी दिल्ली में जो नरसंहार हुआ है, दिल्ली में कम से कम 35 लोग जो काल के घास में चले गए, जो हमें छोड़ करके चले गए, वो चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, वो कुल मिला के इंसान थे और हमारे हिंदुस्तानी थे। उनके जाने का गम हमें बहुत है, उनके जाने की तकलीफ हमें बहुत है। हमारे शहर में इत्तेहाद बना रहे, आपसी भाईचारा बने रहे, हमारे शहर में गंगा जमनी तहसीब कायम रहे। हम ऊपर वाले से यही यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे शहर में ये तमाम अफवाहों से हमें बचना है, तमाम बातों से हमें बचना है। कोई भी हमसे कुछ भी कहे, हमें अपने शहर की फिजा खराब नहीं करनी। ध्यान से सुन लो बच्चों, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं और जिंदगी भर मोहब्बत करते रहेंगे। ठीक है, छोड़ दो। अभी नहीं, अभी बहुत सारे अखबार के लोग तमाम लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और आज हम लोगों ने इस बात को समाज सेवा मंच और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया। दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी हम सब देशवासियों को बहुत निंदा है, बहुत तकलीफ़ है। जिन माँ के बच्चे ख़त्म हुए हैं, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने की सारी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सारे लोग मिलकर ये दरार कभी भी नहीं डलने देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। कभी भी दो चार लोग अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। गलत लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना नहीं देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि बरेली में हम लोगों ने शांति के लिए ये प्रयास किया है, सारे शहरों में ये प्रयास किया जाएगा कि हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट सर। सर ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया सर? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल हूँ, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और समाज सेवा मंच का संरक्षक। आज मेरे तमाम समाज सेवा मंच के, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आज हमारे साथ में हैं और इस शहर के नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमारे साथ खड़े हैं और ये सब लोगों ने आज इस बात की कसम ली है कि हमारे शहर का इतिहास, हमारे शहर का आपसी तालमेल, हमारे शहर की हिंदू मुस्लिम एकता, हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब सदा कायम थी, कायम है और सदा जिंदगी
रहते तक हम सब लोगों की और ऊपर वाले से हमारी सबसे यही गुजारिश है कि हमेशा ये कायम रहे। हम लोग सब ये दिल्ली की घटना से बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम तमाम लोगों के दिलों में उन तमाम लोगों के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति है जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और आपसी इत्तफाक न होने के कारण से ये जो जाने गई हैं उनका हम यहाँ पर खड़े शब्दों में निंदा करते हैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस तमाम घटना को अंजाम दिया। हम आज देश के अपने प्रधानमंत्री से, अपने राष्ट्र के सर्वोच्च लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो ताकि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को एक मैसेज जाए कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को जो बिगाड़ेगा वो नस्से नाबूद हो जाएगा, और हम इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को हमेशा कायम रखे हुए हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शहर बांस बरेली है, ये शहर अमन बरेली है, ये शहर बांस बरेली है, ये शहर अमन बरेली है, तेरा मेरा क्या होता है, ये सांझा शहर बरेली है, हमारा ये सांझा शहर है। हम सब लोग मिलकर के इस शहर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और ये यहाँ पर जहाँ नाथ नगरी है वहाँ आला हजरत की नगरी है, ये आला हजरत की नगरी है, ये नाथ की नगरी है। हमें इन तमाम चीज़ों को अपने दिलों के अंदर बैठाल के रखना चाहिए और बच्चों के बीच में से ये मैसेज घर घर तक पहुँचना चाहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।